नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में मैंने आपको पार्ट 9 उसकी बुक एक्सरसाइज एंड कॉपी पार्ट को कंप्लीट करवाया था। अब आप सब बच्चों को उस अपने काम को पूरा करते हुए नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास उसको सेंड करना है। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी बात, मैं आपको बताने वाली हूँ जो एक बहुत जरूरी बात है। ये पार्ट एक पत्र है जो एक अंकल ने बच्चों को लिख के समझाना चाहा है। जैसे कि आप बड़े हो रहे हो, है ना, तो आप बड़े हो रहे हो तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे अपनी लाइफ में जो अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बुरे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो हमें इस चैप्टर में यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप कैसे पता लगाओगे कि जो लोग हैं जो एक अच्छी भावना से आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा। आजकल जितना बदलता हुआ जमाना है जिसमें कुछ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अच्छी भावना से हमारे पास नहीं आते हैं, अगर वो हमें टच कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वो अच्छा टच है बुरा टच है। अगर देखो घर में आपके मम्मी पापा दादा दादी आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आपको टच करेंगे तो आप बिल्कुल भी घबराते नहीं हो। लेकिन क्या आप कभी किसी अन्य के छूने से घबरा जाते हो? ऐसी स्थिति में आप क्या करते हो कि जैसे कोई अनजान व्यक्ति है या कोई जान पहचान भी वाला है वो आपको ऐसे टच करता है और आपको अच्छा नहीं लगता उसका टच करना कि वो इस तरीके से मुझे क्यों टच कर रहा है, मुझे इस तरीके से क्यों पकड़ रहा है या किस कर रहा है, वो सब चीजें आपको पसंद नहीं आती। तो आपको क्या पता चलता है कि उसका जो टच है वो किसी ठीक भावना से आपके पास में नहीं आ रहा है ना। तो वो कोई अपने का भी हो सकता है और किसी पराए का भी हो सकता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपको अपने घर के बड़ों को या आपके आसपास जो भी हैं उनको बताना चाहिए ताकि अगर कुछ भी वो गलत भावना से करने वाला है तो वो ना कर पाए। और अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उसने कभी ऐसा किया है तो उसको हम दंड दिलवा सके, सजा दिलवा सके, है ना। तो इसमें जो अंकल हैं वो हमें ऐसी ही बातों के बारे में बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो हम चैप्टर में हमें बहुत सी चीजें और भी बता रखी है जो आपके बड़े होने के साथ साथ आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जब अंकल पत्र लिख रहे हैं तो वो लिख रहे हैं प्यारे बच्चों शुभ आशीष, यानी कि वो बहुत प्यार करते हुए अपने बच्चों को कह रहे हैं कि आप सदा सुखी व स्वस्थ रहें। यानी कि आप हमेशा कैसे रहें? सुखी और स्वस्थ रहें। सदा का मतलब होता है हमेशा, फर्क यानी कि अंतर। परिचित का मतलब होता है जान पहचान वाले और सावधान का मतलब होता है सचेत, है ना। आगे बढ़ते देखो चैप्टर में हमें बता रखा है कि आप सदा सुखी वह स्वस्थ रहें। आप हमेशा सुखी रहें और सुरक्षित रहें, सेफ रहें। आज मैं आपके साथ कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं। तो जो वो अंकल हैं वो कह रहे हैं कि मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूं। बच्चों बदलती दुनिया के साथ लोगों की सोच भी बदल रही है। आजकल दुनिया जितनी फास्ट फॉरवर्ड हो रही है तो लोगों की सोच भी बदलती जा रही है। इस दुनिया में केवल अच्छे लोग ही नहीं रहते। अंकल कह रहे हैं कि दुनिया सारे अच्छे लोगों से तो भरी भी नहीं होती, इसमें बहुत तरह तरह के लोग भी रहते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। कुछ लोग जो बहुत अच्छे होते हैं, जो बड़े भाई बहन माता पिता और दादा दादी की तरह व्यवहार करते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं वो जैसे भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए, वो सब हमारे बड़ों की तरह हमसे व्यवहार करते हैं। वे आपको छूते हैं तो उनके छूने से आपको बुरा नहीं लगता, नहीं लगता ना। जब दादा दादी भाई बहन माता पिता आपको पकड़ते हैं, आपको किस करते हैं, आपको टच करते हैं तो आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगता क्योंकि वो आपके बड़े हैं और आपको जो ये सब कर रहे हैं तो एक प्यार की भावना से कर रहे हैं, उसके पीछे कोई गलत भावना नहीं है। किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको छूते हैं तो आपको उनका छूना अच्छा नहीं लगता। जैसे ऐसे लोग गंदे होते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भले वो हम उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं लेकिन जो उनको छूने का तरीका होता है वो हमें बहुत अजीब लगता है, अटपटा सा लगता है। तो ऐसे लोग गंदे होते हैं। मम्मी पापा और दादा दादी के छूने में और गंदे लोगों के छूने में तो बहुत फर्क होता है, यानी कि अंतर होता है। जब वो हमें प्यार से छूते हैं, दादा दादी मम्मी पापा ये सब छूते तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर गंदे लोगों के वो लोग हमें छूते तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और हमें फर्क पता चलता है कि इसके इरादे सही नहीं है, इसकी भावनाएं सही नहीं है हमें टच करने की। ऐसे लोग आपको ऐसी जगह छूते हैं, चूमते हैं या तेज दबाते हैं जिन जगहों पर मम्मी पापा दादा दादी ऐसा नहीं करते हैं ना। तो ऐसे लोग बहुत गंदे होते हैं। ये आपके परिचित भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई अननोन पर्सन अपरिचित व्यक्ति ही आपके साथ ऐसा करे, यानी कि कोई जान पहचान वाला ना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोग जान पहचान वाले भी होते हैं,
वो भी ऐसा काम कर सकते हैं। ये अपनी बात किसी दूसरे को बताने के लिए मना भी करते हैं और आपको भी मना करते हैं कि मैं आपके साथ ऐसा सब कर रहा हूं तो आप किसी को बताओगे नहीं। ऐसे लोग आपको घर और विद्यालय दोनों जगह मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसे लोग आपको घर पे ही मिले, हो सकता है स्कूल में मिले, हो सकता है आपकी खेलने वाली जगह पे मिले, या आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं। इन लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए, यानी कि सचेत रहना चाहिए, अपने आप को बचा कर रहना चाहिए। ये आपको चॉकलेट, खिलौने, पैसे आदि का लालच भी दे सकते हैं। ये आपको इन सब चीजों के जरिए अपने पास लाकर ये सब करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो आपको लालच में नहीं आना चाहिए, चीजों के लालच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की भावनाएं अच्छी नहीं होती, आपके लिए अच्छी नहीं होती। आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहोगे तो आप सुरक्षित नहीं रहोगे, है ना। और डराते धमकाते भी हैं। इन गंदे लोगों की एक और पहचान बताता हूं, ऐसे लोग सबके सामने आपको कभी भी नहीं छूते। ये लोग जो होते हैं वो लोगों के सामने बहुत अच्छे बनते हैं, आपसे बहुत अच्छे से बेटा और बहुत अच्छे से प्यार से बच्चा बच्चा करके आपसे बात करते हैं, और उनके सामने बिल्कुल भी आपको टच करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलता है अकेले में, वैसे ही वो आपके साथ ऐसी गंदी हरकतें कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। इसके लिए ऐसा समय खोजते हैं ये लोग जो होते हैं, वो इसके लिए ऐसा समय खोजते हैं जब आप अकेले होते हो। इन लोगों की बातें अपने माता पिता, बड़े भाई बहन, या स्कूल में अपनी सबसे अच्छी मैडम या सबसे अच्छे सर से उस समय बता देना चाहिए। अगर आप घर पे हो तो अपने जो भी आपके पास में है, चाहे माता पिता है, भाई बहन है, दादा दादी है, तो आपको उनके उनको बता देना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति आपके साथ ऐसा सब करने की कोशिश कर रहा है। या फिर आप स्कूल में हो तो जो भी सर या मैडम आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि आप उनको बताना चाहिए, तो आपको ये सब बातें उनको जरूर बतानी चाहिए कि ऐसा सब कोई आपके साथ कर रहा है। इतने सावधान रहोगे तो कभी कोई आपको गलत तरीके से नहीं छू सकेगा। अगर आप सर अलर्ट रहोगे, बताने की हिम्मत रखोगे, तो कोई भी आपके साथ कोई भी गलत काम करने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे गंदे लोगों को सजा भी दिलवाई जा सकती है, दंड भी दिलवाया जा सकता है। इस बदलती दुनिया में खुद को सुरक्षित रखने के लिए आपको इतना चौकन्ना तो रहना ही पड़ेगा। मतलब आपको इतना ज्यादा सावधान तो रहना ही पड़ेगा कि आपको पता चले, गुड टच और बैड टच के फर्क को समझना पड़ेगा आपको, कि कौन सा टच आपके लिए सही है और कौन सा टच आपके लिए सही नहीं है, बैड है। तो आपको वैसे तो खुद अगर आपको कोई टच करता है तो आपको पता चल जाता है ना। तो अगर आपको कोई ऐसे इस तरीके से गंदे तरीके से टच भी करे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने से बड़ों को बताना चाहिए। आपके आसपास में जो कोई भी है उनको आपको बताना चाहिए। और ऐसे गंदे लोगों का हाव तब बढ़ जाता है जब वो उनको ये चीज क्लियर होती है कि आप में बोलने की हिम्मत नहीं है। तो क्या करेंगे, वो ऐसे बच्चों के साथ नहीं ये सब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये तो सामने से आवाज नहीं उठाएगा या उठाएगी, ये चुप करके बैठे रहेंगे और मेरे से डर कर रहेंगे और किसी को ये सब बताएंगे भी नहीं। तो ऐसे बच्चों के साथ ये सब होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके आसपास में कोई भी ऐसे लोग ना हो, और अगर कोई है भी जो आपके साथ ऐसा सब कर रहा है, बैड तरीके से आपको टच कर रहा है, तो आपको बताना चाहिए अपने बड़ों को, अपने टीचर्स को, या अपने आसपास जो भी है उनको जरूर से बताना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप अपने अंकल की जरूर बात समझ गए होंगे और इसका ध्यान भी रखेंगे। शुभकामनाओं सहित आपका अंकल। तो अंकल लास्ट में क्या कह रहे हैं कि हमने आपको जो सब भी बातें समझाई है, आप उन बातों को समझोगे, आप किसी भी व्यक्ति से डरोगे नहीं कि जो सब आपके साथ हो रहा है अगर आप बताओगे तो आपकी इंसल्ट होगी, या वो जो कुछ भी आपके साथ कर रहे हैं तो वो कुछ और गलत कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको धमकी भी दे कि मैं आपके साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या आपके भाई बहन को ऐसा कुछ कर दूंगा, या मम्मी पापा को ऐसा सब कुछ। तो आपको ऐसी फालतू की बातों से बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको अपने आप को सेफ रखना है, तो आपको अगर कुछ भी आपके साथ गलत होता है कभी भी, तो आपको अपने से बड़ों को इनको बताना है, शेयर करना है कि ऐसा सब कुछ हुआ है। छुपाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर हम नहीं बताएंगे तो इनका हाव और बढ़ता जाएगा और वो आपके साथ और भी कुछ गलत करने का सोचेंगे। अगर आपको बचना है इन सब चीजों से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब की शिकायत करनी होगी, इन सब के बारे में बताना होगा अपने से बड़ों को, है ना। आशा करती हूँ कि आप इस अध्याय को अच्छी तरीके से समझेंगे, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप अपने बड़ों को बताएंगे, है ना। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को खुद से पढ़ना है ताकि आप मात्राओं को भी अच्छे से समझ पाए। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ।